तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो वेज के बारे में, और जो विप्रो विम्स या विस्टा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये अप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट जो 25 से 30 क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अराउंड, वो सारा कलेक्ट कर लिया है, और हम हर टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मुझे ऑलमोस्ट विप्रो में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। मैंने 2000 आई थिंक 10 16 नवंबर 2010 में ज्वाइन किया था विप्रो, और जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मैं और भी अपने जो फ्रेंड्स वगैरह के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा इसमें। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है इस टॉपिक के अराउंड की, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया था वो 2009 में किया था कंप्लीट, लेकिन जो वो टाइम था रिसेशन वाला टाइम था, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो ऑलमोस्ट लाइक 2008 के एंड में या तो पूरे कंप्लीट 2009 में जॉब क्रंचेस बहुत ज़्यादा थे, तो जॉब वगैरह लेना इतना आसान नहीं था। तो जो 2009 ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने मैंने जॉब वगैरह सर्च करने में लगा दिया, और उसके अलावा जो आई मीन जो थोड़े बहुत मैंने दो चार दिन के एक्सपीरियंस के लिए काम किया थोड़ा बहुत, लेकिन वो सब काम मुझे इतना ज़्यादा सूट नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा प्रेपरेशन स्टार्ट किया जो इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह का, ताकि मैं कोई बीपीओ ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि बीपीओ उस टाइम पे भी काफ़ी बूम कर रहा था इंडिया में, और जॉब्स वगैरह उसमें बहुत सारी थी। तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था कन्वर्जिस में, और कन्वर्जिस में मैंने लगभग 6 से 7 महीने काम किया होगा। उसके बाद जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी का पता चला कि विप्रो वेज में कोई अपॉर्चुनिटी है, और ये ऐसा प्रोग्राम होता है कुछ विप्रो वेज करके, जो कि आपको लर्निंग प्लस अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया था, जो मेरे को याद है लगभग मैंने अक्टूबर 2010 में आई थिंक 12 अक्टूबर के आसपास इंटरव्यू दिया था, और जो इंटरव्यू था वो GDC में हुआ था, गुड़गांव में जो विप्रो का ऑफिस है वहाँ पे। और जो इंटरव्यू है वो ऑलमोस्ट लाइक पूरा दिन का प्रोसेस था, ऑलमोस्ट आई थिंक 9 साढ़े 9 हम लोग ऑफिस में पहुँच गए थे, और पूरा दिन लगा था ये पूरे इंटरव्यू में। और अगर इंटरव्यू को का जो मुझे थोड़ा बहुत याद है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जो पहला राउंड था वो एप्टीट्यूड काइंड ऑफ राउंड था, जिसमें आपका जो कस्टमर सर्विस या जो थोड़ा बहुत रिटन इंग्लिश आप बोल सकते हो, या जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उस टाइप की चीज़ होती है, जिसमें अराउंड आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अराउंड आई थिंक 50 क्वेश्चन थे, और एक आई थिंक 1 आवर में आपको कंप्लीट करना था, विच वॉज आई थिंक क्वाइट सफिशियंट टाइम, बड़े आराम से वो जो एग्जाम कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जो सेकंड राउंड था वो राउंड था इंटरव्यू, लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू, और वो जो इंटरव्यू था मैं बोलूँगा अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है या आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ग्रेजुएशन टाइम पे, तो वो काफ़ी इजिली क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है जो आपकी हॉबीज़ के अराउंड या जो आपने पढ़ा है उसी के अराउंड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप किया है अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, तो उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कोई बड़ा बहुत बड़ा मैं बोलूँगा रॉकेट साइंस नहीं है ये इंटरव्यू को क्लियर करना, ठीक है। तो ये है मेरा विप्रो से पहले का एक्सपीरियंस और विप्रो इंटरव्यू टाइम का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं इंटरव्यू एलिजिबिलिटी। तो इंटरव्यू पे एक्चुअली इंटरव्यू में जाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी थी, जैसे कि आपको थ्रू आउट जो 10th ऑनवर्ड आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है विप्रो वेज या विम्स के लिए एप्लीकेबल होते हो। तो दोस्तों विप्रो वेज और विम्स दो अलग अलग प्रोग्राम है। जो विप्रो विम्स था वो विप्रो इन्फोटेक के लिए एप्लीकेबल था, और जो विप्रो जो वेज था वो विप्रो टेक्नोलॉजीज के लिए था। अब एनीवेज जो कंपनी है वो आई थिंक विम्स इज नो लॉन्गर देयर, बिकॉज अब सिर्फ विप्रो टेक्नोलॉजीज या विप्रो लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती है, तो विप्रो इन्फोटेक या टेक्नोलॉजी जैसी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो जब भी मैं विम्स बोलूँ या वेज बोलूँ तो ये सेम चीज़ें ही हैं। और जो विस्टा है वो 5 साल का प्रोग्राम है, जो कि 12th वाले स्टूडेंट है उनके लिए होता है, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम रहती हैं उनके लिए भी। अब बात करते हैं जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, पूरा मेरा ऑलमोस्ट लाइक 1 दिन लगा था, और एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू के बाद आई थिंक नाइट में हमारा ऑलमोस्ट जो मेरे को याद है 10 बज गए थे आई थिंक, वो पूरा इंटरव्यू कंप्लीट होते होते 3 ही राउंड थे, लेकिन जो बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए थे या बहुत से जो जॉब सीकर्स आए हुए थे, तो ऑलमोस्ट लाइक पूरा दिन इसमें लग जाता है। उसके बाद हमें जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया हमें बोला गया कि आप जा सकते हो, आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी अगर आप सेलेक्टेड हुए तो मुझे आई थिंक 3 से 4 दिन बाद जो है वो ईमेल आ गया था सेलेक्शन का, और उसके बाद जो ज्वाइनिंग डेट थी वो बहुत ही क्लोज थी, आई थिंक
आई थिंक 18 या 20 अक्टूबर को मुझे जो है ईमेल आ गया था। उसके बाद जो ज्वाइनिंग डेट थी वो 16 नवंबर को हम लोगों को ज्वाइन करना था मैसूर लोकेशन में। मैसूर जो कि एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी, इनिशियल ट्रेनिंग जो कि आप बोल सकते हो, जो किसी भी फ्रेशर को दी जाती है जब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, तो बात करता हूँ ऑफर लेटर की। जब आप ये जो है इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, जो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है वो एक स्टैंडर्ड ऑफर लेटर होता है, जिसमें आपका जो पूरा 4 साल का सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह दिया होता है, और आपके जो सेवरल अदर क्लॉजेज हैं जो आपको थ्रू आउट ये जो 4 साल फॉलो करने हैं वो सब दिया होता है। तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी आप सारी चीज़ों से अगर आपको सूट करती है तभी ज्वाइन कीजिए। और इसमें एक जो क्लॉज है जो बहुत लोग पूछते हैं कि वो जो बॉन्ड वाला है कि 75,000 का बॉन्ड होता है, तो मेरे टाइम पे भी वो बॉन्ड था, और उसके लिए वो बॉन्ड के लिए आपको जो है लोन वगैरह SBI से मिल जाता है, जो SBI बैंक है। तो मैंने एक्चुअली लोन लिया था वो 75,000 का। तो हाँ, वो जो बॉन्ड वाला है पार्ट वो ट्रू है, वो पार्ट होता है। अब आई डोंट नो, आई मीन रिसेंट में जो, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है तो आई डोंट नो रिसेंट में भी वो है कि नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये चीजें थी। अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइनिंग लोकेशन की। तो ज्वाइनिंग लोकेशन जो, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी जो ज्वाइनिंग लोकेशन थी वो मैसूर थी, तो वहां पे मेरी ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग लोकेशन है वो डिफरेंट भी हो सकती है, तो हो सकता है बैंगलोर आपको ज्वाइनिंग लोकेशन मिले या हैदराबाद मिले। तो बेसिकली जितने भी, जहाँ पे भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं विप्रो की, तो वो सब लोकेशन में से ही कोई आपको एक ऐसी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह आपकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है जो बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट 4 ईयर्स में जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रीटी मच फिक्स होता है, तो आपको ऑलरेडी जो है फर्स्ट ईयर में क्या अमाउंट मिलेगा, सेकंड ईयर में क्या मिलेगा, थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, फोर्थ ईयर में क्या मिलेगा, वो सब बताया हुआ होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होते। 4 साल जो है आपको लगभग लगभग जो भी आपको सैलरी बताई गई ऑफर लेटर में वो सेम ही मिलेगी। कुछ केसेस में कई बार ऐसा होता है कि विप्रो जो है अपना सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह रिवाइज करता है, जो वेज या विम्स या विस्टा स्टूडेंट्स के लिए, तो उन केसेस में आपका जो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो भी आपको ऑफर लेटर में मिला होगा लगभग लगभग आपकी जो 4 साल सैलरी है वही रहने वाली है। ठीक है, तो जो इनिशियली आई थिंक पहले फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो सैलरी होती है वो थोड़ा बहुत आई थिंक टाइट होती है, स्पेशली अगर आपको बेंगलोर या जो गुड़गांव जैसे शहरों में रहना, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली जो आपको हाउस वगैरह रेंट पे लेने में ही काफ़ी आपका जो है खर्चा पानी लग जाता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे को लगा कि थोड़ी सी कम है सैलरी, और कई बार ऐसा होता था कि सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता था। एनीवेज उस टाइम पे जो मिलके ही बेसिकली जो शेयरिंग वगैरह में रहते थे तो समहाउ मैनेज हो जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ट्रेनिंग ड्यूरेशन। तो इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो लगभग लगभग 2 से 3 महीने का रहता है। तो आई थिंक मेरा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन था वो भी लगभग 2 महीने का था, और ये 2 से 3 महीने तक हो सकता है, वेरी करता है। तो लगभग 2 से 3 महीने तक की आपको इनिशियल ट्रेनिंग मिलती है। और जो बात करते हैं ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स की, किस किस चीज़ों की आपकी ट्रेनिंग मिलती है, तो आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग रहती है वो बहुत ही जनरल रहती है। हो सकता है आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ट्रेनिंग दी जाए, या जो बेसिक फंक्शनल चीज़ों पे हो सकता है आपको ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका ERP प्रोडक्ट हो गया, SAP वगैरह हो गया, और उसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे BI प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, हडूप टेक्नोलॉजीज हो गई, बिग डेटा वगैरह हो गया, तो इन सब जो वेरियस टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, उन सब पे आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है। और जो ये ट्रेनिंग है वो जो वर्किंग स्टाफ होता है विप्रो का, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स जो हम लोगों को दी थी वो उन्हीं लोगों ने दी थी, उसके अलावा कुछ ट्रेनर्स बाहर से भी आते हैं। तो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो मेरे को ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा लगा था, और जो विप्रो ने जो इन्वेस्टमेंट की थी लाइक ट्रेन करने में, जो भी जिन्होंने विप्रो को ज्वाइन किया, तो आई थिंक वो वाला जो फेज़ है वो बहुत बेस्ट फेज़ है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी लर्निंग होती है, स्पेशली क्योंकि आप ग्रेजुएट करके सीधा आप जो है कॉरपोरेट कल्चर में आए हो। तो जो ट्रेनर्स हैं वो स्पेशली वो ऐसे ट्रेनर हैं जो कि वर्किंग ट्रेनर हैं, तो अब वो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आगे जाके मेरे को कैसे काम करना है, कैसे यानी चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और आई थिंक ये जो लर्निंग है, जो इनिशियल जो 2 से 3 महीने की लर्निंग है, वो आपको थ्रू आउट आपके करियर में काम आती है, ऐसी जो है ट्रेनिंग या लर्निंग वगैरह रहती है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, कुछ जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जैसे आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया या आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइप का हो गया, तो इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग होती है लगभग लगभग। ये जैसे आई थिंक स्पोकन इंग्लिश वगैरह का 5 से 7 दिन का था, और सिमिलरली जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह का या जो इंस्पिरेशनल टाइप के स्पीकर्स वगैरह थे उन्होंने लगभग 2 से 3 दिन के सेशन लिए थे। तो अगेन डोंट कोट मी कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो सिमिलर होगी, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, हो सकता है आपके केसेस में जो बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि जो ये जो ट्रेनिंग वगैरह है वो चेंज की जाती है थोड़ी बहुत, इसमें जो वेरिएशंस की जाती हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट लाइक ये सब ट्रेनिंग 10 साल पहले की थी, तो इसमें हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हुए हों। अब बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम पे जो है ऑफिस आवर्स क्या थे। तो ट्रेनिंग टाइम पे जो ऑफिस आवर्स रहता है वो प्रीटी मच आई थिंक जो जनरल ऑफिस आवर्स आपका होता है, जैसे 8:30 आप गए सुबह और शाम को 6 बजे आप वापस आते हो, तो ऑफिस आवर्स जो ट्रेनिंग टाइम पे थे वो सेम थे। और आई थिंक ऑफिस जो ट्रेनिंग टाइम पे आपका जो एक्सटेंशन मतलब जो ऑफिस आवर्स से ज़्यादा आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, शायद आई थिंक एक आधे केसेस में ही जब हमारा जो एग्जाम्स या असेसमेंट वगैरह हो रहे थे उसी टाइम पे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी थी। उसके अलावा ट्रेनिंग टाइम पे तो एटलीस्ट आपको जो आफ्टर ऑफिस आवर्स रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि सेग्रीगेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में ये कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था वो लगभग 62 से 65 लोगों का बैच था। तो जो कुछ तो जनरल ट्रेनिंग होती है जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो गई, इंस्पिरेशनल जो टॉक्स हो गए या फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, ईमेल एटिकेट्स हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो जनरल ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा जो फिर कुछ ट्रेनिंग होती है जो बहुत स्पेसिफिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ईआरपी की ट्रेनिंग हो गई या बिग डेटा साइंस की ट्रेनिंग हो गई या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हो गई। तो इसके लिए फिर जो है ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि ये जो सम सेट ऑफ ग्रुप्स हैं या सम सेट ऑफ 10 और 20 स्टूडेंट्स का जो बैच है वो एक सिमिलर टाइप की ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो एक सिमिलर टाइप की ट्रेनिंग लेंगे। तो बेसिकली यहाँ से जो आपका है वो शेप करना शुरू कर देते हैं कि आप किस टेक्नोलॉजी में काम करोगे और आपको किस लोकेशन पे डिप्लॉय किया जाएगा और आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो जो इसमें अगेन जो सेग्रीगेशन है वो आई थिंक मेरे हिसाब से जो है वो काइंड ऑफ आई थिंक आपके शायद इंटरव्यू टाइम पे जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह दिखाया होगा उसके हिसाब से होता है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये इतना कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि वो किस बेसिस पे जो ये सेग्रीगेशन करते हैं। हो सकता है ये रैंडम हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ये जो आपने इंटरव्यू टाइम पे जो भी आप डिस्कस करते हो सकता है ये जो उन सब चीजों में आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड हो। अब बात करते हैं जो वर्किंग लोकेशन है वो आफ्टर ट्रेनिंग कैसी होती है। तो आपकी 2 से 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे जो भी आपको इनिशियल ज्वाइनिंग लोकेशन मिला होगा वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो आपकी वर्किंग लोकेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है आपके ज्वाइनिंग लोकेशन से। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो मैसूर में हुई थी, उसके बाद जो मेरी वर्किंग लोकेशन थी वो दिल्ली थी। तो अगेन कुछ लोगों को मुंबई भेजा गया था, कुछ लोगों को बेंगलोर भेजा गया था, कुछ लोगों को हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, ऐसे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपको डिप्लॉय किया जाता है। और अगेन ऐसा नहीं है कि आप अगर दिल्ली से हो और दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हो मैसूर में आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग के बाद आपको जो आपको जॉब लोकेशन है वो दिल्ली भेजा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन से स्किल सेट पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उस स्किल सेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से स्टेट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है, हो सकता है जो प्रोजेक्ट है आपके स्किल सेट से रिलेटेड वो हो सकता है बैंगलोर में हो या चेन्नई में हो, पुणे में हो, मुंबई में हो, लाइक एनी लोकेशन। तो हो सकता है आपकी जो आपको ज्वाइनिंग लोकेशन मिलेगी वो उस लोकेशन में मिलेगी, आई मीन जो आपकी वर्किंग लोकेशन होगी। तो क्वाइट रैंडम है इसमें भी, इसमें आई मीन रैंडम हम लोगों को लगता है क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अदरवाइज एक्चुअली ये जो सारा है ये आपका स्किल सेट या प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी उन सब चीज़ों के, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको जो है आपको डिप्लॉय किया जाता है डिफरेंट लोकेशंस पे। अब बात करते हैं जो जॉब टाइटल क्या रहता है आपका आफ्टर ट्रेनिंग। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो उस टाइम पे तो खैर आपको कोई जॉब टाइटल की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इनिशियल जो आपकी 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग हो रही होती है, उसके बाद जब आप डिप्लॉय किए जाते हो और आप अपने बेस लोकेशन पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर जैसे मेरे को है मुझे दिल्ली भेजा गया था, तो वहां आकर जो आपका आपको एक तो प्रोजेक्ट आपका मिल जाता है कि आपको किस प्रोजेक्ट में काम करना है जो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट होता है, और उसके अलावा जो आपकी जो जॉब टाइटल रहता है वो वेज वाले केस में जो आपका जॉब टाइटल रहता है वो स्टूडेंट
ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहता है, और जो विम्स वाला केस था उसमें विम्स ट्रेनी लिखा रहता है। तो जो रेगुलर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन होती है उससे ये वाला जो जॉब टाइटल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब बात करते हैं जो क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था, जो स्टडीज वगैरह होती हैं वो कैसी थी। तो इसमें अगेन जो वेरिएशंस होते हैं, जो आप थोड़ी बहुत आपका जो स्टडी वगैरह का हिसाब किताब जो दिल्ली में है, मुंबई में है, या डिफरेंट रीजन्स है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं, लेकिन मोर और लेस ये जो एक्सपीरियंस है सबका सेम रहता है। तो आपको 5 डेज वर्किंग होता है, फिर आपको जो 6th डे है जो संडे को आपकी क्लासेस होती हैं। कुछ लोकेशन में हो सकता है जो क्लासेस हो वो सैटरडे को हो, तो अगेन लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है, लेकिन मोस्टली आपकी सैटरडे या संडे में से एक दिन जो है पूरा दिन आपकी क्लासेस वगैरह होंगी, और 2-2 घंटे की क्लास होती है लगभग। ये जो क्लास है आई थिंक 8 घंटे तक चलती है, तो सुबह आपको ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 आपको ऑफिस पहुंचना होता है। ऑफिस में ही आपको जो है आपकी स्टडी वगैरह करवाई जाती है, और उसके बाद आई थिंक पूरा 8 घंटे का, यार आप समझ सकते हो, 8 घंटे आपकी कंटिन्यूस पढ़ाई होती है, बीच में 10-15 मिनट्स के ब्रेक होते हैं, तो वो जो पूरा दिन है, एक पूरा दिन आपका लगभग आपका 10 घंटे का टाइम चला जाता है। उसके बाद जो आपको ट्रेवल टाइम लगता है वो अलग। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है क्लासेस का, क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब आप 5 दिन लगातार जॉब करने के बाद जो ये क्लासेस का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत अगेन डिपेंड कर सकता है कि आपका जो पूरा वीक रहा है वर्क वाला वो कैसा रहा है, वो स्ट्रेसफुल रहा है या वो अगर नॉर्मल रहा है तो उस केस में आप अपने क्लासेस को काफ़ी इंजॉय करोगे, लेकिन आपका जो अगर ऐसे पूरा जो वीक था वर्किंग वीक वो काफ़ी हेक्टिक रहा है तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत ये टायरिंग सा एक्सपीरियंस लगता है। अब बात करते हैं फैकल्टीज वगैरह की, तो फैकल्टीज वगैरह जो होते हैं बिट्स के प्रोफेसर होते हैं जो आपको आके पढ़ाते हैं, और आई थिंक फैकल्टीज वगैरह दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग्स फ्रॉम लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, स्पेशली जो हम लोगों को जितने भी प्रोफेसर्स ने पढ़ाया था वो काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, वो काफ़ी जो नॉलेज शेयर करते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई थिंक जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ हद तक मायने करता है, लेकिन उसके अलावा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाते हो, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस की जो मैं आई थिंक जो वेटेज दूंगा उसको मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा बजाय कि एक रेगुलर स्टडीज की। तो प्रोफेसर जो रियल लाइफ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या जो अपने पास्ट स्टूडेंट्स वगैरह का जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो काफ़ी अच्छी वो काफ़ी अच्छा है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपको बहुत मोटिवेशन उससे मिलता है कि आपका जो है बेसिकली आपका करियर पाथ क्या होने वाला है, आपका जो लर्निंग पाथ है वो क्या होने वाला है, तो काफी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग रहता है एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि ये जो मैनेजिंग वर्क लाइफ एंड स्टडी, मतलब कितना स्ट्रेसफुल रहता है, तो अगेन ये जो वर्क लाइफ और जो स्टडी ये को इसको बैलेंस करना थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स जरूर है, स्पेशली ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइक सपोर्ट एंड मेंटेनेंस टाइप के हो गए, जो एक लाइक रिदम में चलते रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप के आपको प्रोजेक्ट्स में आपको बेसिकली असाइनमेंट कौन सा आपको मिला है, उसके बेसिस पे जो आपका वर्क लाइफ एंड स्टडी है उसको मैनेज करना थोड़ा बहुत अगेन हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है जो एक्सपीरियंस इसका है, लेकिन ओवरऑल जो है वर्क लाइफ बैलेंस और स्टडी हैंड इन हैंड चला जाता है, और कई बार थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो बिटर हो सकता है, जिस केसेस में आपको लाइक पूरा वीक आपने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बाद आपका जो स्टडी का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आपको 8 आवर्स की स्टडी करनी है, तो उस केसेस में थोड़ा बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट की, तो मैंने जो आपको बताया कि जब आप डिप्लॉय होते हो अपने बेस लोकेशन पे, तो इनिशियल जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो अगेन वो जो प्रोजेक्ट्स है, अगर एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मूव ऑन करना होगा, तो इस प्रकार जो है आपके 4 साल में, जरूरी नहीं कि आप 4 के 4 साल एक ही प्रोजेक्ट में काम करो, हो सकता है आप 4 साल में मे बी आप 8 और 10 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, या हो सकता है आप पूरे के पूरे 4 साल जो है एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। तो जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट है वो अगेन वो डिपेंड करता है
कि आप किस प्रोजेक्ट में हो, वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको कब मिलेगा। लेकिन इस पे जो अगेन जो पॉलिसीज है, मैं जो अपना एक्सपीरियंस है जनरल शेयर कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा बहुत विप्रो की पॉलिसीज वगैरह उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनरली आप मतलब 18 से 20 महीने में अगर आप चाहो तो प्रोजेक्ट वगैरह चेंज के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, और जो है आप डिफरेंट प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वगैरह में एलोकेट हो सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था जो फर्स्ट प्रोजेक्ट का। तो अगेन जब आप इनिशियली स्टडीज़ या ग्रेजुएट वगैरह करके उसके बाद जब कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करते हो, उसके बाद जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जब आपको रियल में एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है, आपको कस्टमर फेसिंग काम करना होता है, या आपको आपको अपने मेंटर के अंडर काम करना होता है, शेडोइंग करनी होती है, तो वो जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहता है। स्पेशली क्योंकि MNC कंपनीज वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो जितने भी सीनियर्स वगैरह है वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, और उन्होंने स्पेशली जो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे जो सीनियर थे या जो जो भी मेरे मेंटर थे जिनके अंडर मैंने काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी लर्निंग हुई, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मैं शायद उस टाइम पे एग्री नहीं करता था, लेकिन वो धीरे धीरे जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा तो मेरे को चीज़ें समझ में आई, नहीं कि वो उस टाइम पे जो भी ट्रेनर्स या जो हमारे मेंटर वो बताते थे वो चीज़ें लाइक वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते थे, और वो वही चीज़ें हैं जो आगे आके काम आती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था जो मेरा पहला असाइनमेंट था। अगेन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम लोकेशन में ही मिले जो आपका विप्रो ऑफिस है, हो सकता है आपको क्लाइंट ऑफिस जाना पड़े। तो फॉर एग्जांपल मैं जब दिल्ली में था तो आई थिंक सिर्फ 4 साल में बहुत कम टाइम में जो है अपने विप्रो जो गुड़गांव का ऑफिस है वहां गया था। मोस्टली मुझे जो है वो कस्टमर लोकेशन वगैरह पे ही जाना होता था। अब बात करते हैं थोड़े बहुत डिफरेंसेस की, कि जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय होता है या जो एम्प्लॉय एज अ लाइक विम्स या वेजियन या विस्टा ज्वाइन करता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं या सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो अगर बात करें तो पॉलिसीज की इन टर्म में थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय के या विम्स वेज विस्टा के जो हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और वो जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपका आपका एक वर्क लाइफ प्लस स्टूडेंट लाइफ दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना होता है, तो इसलिए थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो हो सकते हैं। स्पेशली जो मेरे को बहुत एविडेंट डिफरेंस याद आ रहा है वो है लीव्स का। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को लीव्स मिलती है वो आई थिंक उस टाइम पे जो 21 थी, और जो वेज वगैरह को मिलती थी वो 15 थी। तो उसके अलावा जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जैसे ट्रेवल की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को लेकर हो गया, कि क्योंकि आप स्टडी कर रहे होते हो और आपको उसी लोकेशन में, जैसे आप आपको एक बार दिल्ली एज अ बेस लोकेशन मिल गई तो आपकी जो स्टडी है दिल्ली में ही कंप्लीट होती है। तो जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है कि आपको प्रोजेक्ट के वजह से जो ट्रैवल वगैरह, अगर आपको जैसे बैंगलोर ट्रैवल करना हो या मुंबई ट्रैवल करना हो, तो वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन या उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने आपने दिल्ली में काम किया फिर 2 महीने बाद आपको चेन्नई या बेंगलोर या दूसरी लोकेशन पे भेज दिया जाए, तो उसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है वो चीज़ें फॉलो होती हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉय के केस में इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं होती है। तो जो रेगुलर एम्प्लॉय है लाइक बिकॉज उनका कोई टाई अप नहीं होता है, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता है उनके बेसिकली कुछ, आई डोंट नो द राइट वर्ड, लेकिन हाँ उनको उनकी बेसिकली कुछ ऐसी कमिटमेंट नहीं होती है किसी लोकेशन से, तो वो इजिली अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इजिली ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है वर्किंग वगैरह का वो लगभग लगभग 4 साल एग्जैक्टली सेम रहता है, जो अगेन डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो ओवरऑल है वो सेम रहता है। बात करते हैं कि सेमेस्टर की, तो टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं और 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो पहले जो 7 सेमेस्टर है वो लगभग सेम रहते हैं, 8th जो सेमेस्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है, और जो प्रोजेक्ट है वो जो आप सबमिट करते हो तो वो हो सकता है आपको जो आप एक्चुअल काम वगैरह कर रहे हो कुछ उससे रिलेटेड भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्स, तो एग्जाम्स जो है एवरी सेमेस्टर, एवरी 6 मंथ्स बेसिकली आपका एग्जाम होता है, और मिड सेमेस्टर एग्जाम भी होते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज आपको 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में देने होते हैं, तो 3 घंटे का आपका जो एग्ज़ाम है एक सब्जेक्ट पे वो मॉर्निंग में होता है, फिर जो आफ्टर लंच अगेन जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है जो वो भी 3 घंटे का होता है, लगभग आप 6 घंटे लाइक यू आर जस्ट राइटिंग एंड राइटिंग।
तो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा इस मामले में ये हैक्टिक होता है। और जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, तो आपको बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपको कोई रट्टू तोता की तरह आपको रटना नहीं है चीज़ों को। तो जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, जैसे अगर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है तो फॉर्मूलाज वगैरह आप देख सकते हो क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। लेकिन आपका जो है यू शुड बी नोइंग कि उसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें, आई मीन जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। यू कैन ब्रिंग योर बुक्स एंड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिकली अप्लाई करना आना चाहिए। तो आई थिंक मोटा मोटा मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक अपनी जर्नी जो स्टार्टिंग से लेके जो मिडल एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है और जो स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर कर लिया है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जब आपका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऑफर लेटर जो मिलता है आफ्टर 4 ईयर्स, वो ऑफर लेटर जो आपको मिलता है उसमें आपकी चॉइस होती है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो आप उस ऑफर लेटर को डिनाई कर सकते हो। बट आई थिंक बहुत कम स्टूडेंट डिनाई करते हैं बिकॉज आफ्टर लाइक 4 ईयर्स जो आपका ड्रीम होता है वो अचीव आप कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और जब भी आपको इनिशियली ही आपके ज्वाइनिंग लेटर या जो ऑफर लेटर रहता है इनिशियली जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है जब आप ज्वाइन करते हो, उसी में बताया गया होता है कि आपको क्या क्या ऑफर मिलेगा। तो जो भी कमिटमेंट्स होती हैं जो लिखी होती हैं वो पूरी की जाती हैं। तो लेकिन वो जो 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको जो एक रिलीफ मिलता है कि यार मतलब जो भी जितना भी आपका जो भी आपने सोचा था कि 4 साल कैसे निकलेंगे या 4 साल में मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब आप वो चीज़ें अकम्प्लिश कर लेते हो, आप एक डेडलाइन कंप्लीट कर लेते हो, वो तो वो जो आपको रिलीफ मिलता है वो बहुत ही उसका कोई उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैं यही बोलना चाहूँगा। और ओवरऑल अब अगर बात करें कि रिव्यूज़ की, क्या विप्रोवेज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए या कौन सी और चीज़ें हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं कोशिश करूंगा अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ मिलकर हम लोग कुछ वीडियो बना सके जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि जिन्होंने विप्रो बेस किया था, उसके बाद वो आज बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे। मैं जो है अराउंड मैं कोशिश करूंगा कुछ 5 से 7 फ्रेंड्स वगैरह मिलके वो एक एक्सपीरियंस वाला अपना वीडियो बना सके जिसमें हम डिस्कस कर सके कि डिफरेंट 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 एस्पेक्ट्स हैं जो वो सब डिस्कस कर सके। तो होपफुली जो वीडियो है वो यूजफुल होगी और आपको थोड़ा बहुत इसने हेल्प किया होगा वीडियो ने। और उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि शायद मैं मिस कर गया और जो शायद मैंने इतनी क्लैरिटी से नहीं बताया या मैंने शायद मुझे और डिटेल में बताना चाहिए था, तो आप कमेंट वगैरह में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझा सकूं। और आई मीन 10 साल कंप्लीट हो गया विप्रो में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि आई थिंक अगर इफ़ आई जस्ट लुक बैक 10 ईयर्स अगो तो काफ़ी उस टाइम पे लगता था यार कैसे करेंगे, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मूव फॉरवर्ड होंगी। अगेन आपको डिफरेंट लोकेशंस जो कि साउथ में मैंने पहली बार ट्रैवल किया था, तो वो सारे एक्सपीरियंस अगर मैं अपनी जो पूरी जर्नी को याद करता हूँ तो वो काफ़ी जर्नी जो है एक्सपीरियंस से भरा हुआ रहा है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से हम लोग मिलते हैं, जो इनिशियली जैसे इनिशियल बैच था वो लगभग 60 से 70 लोगों का बैच था, हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आया हुआ था। तो जैसे मैंने अपनी स्टडी वगैरह या मैं पंजाब में पला बढ़ा हूँ, तो फिर वहाँ से फिर जब मैं डिफरेंट टाइप के लोगों से मिला, जैसे मुंबई के लोग, उनका एक्सपीरियंस या जो वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल अलग होता है, फिर हैदराबाद चेन्नई या बेंगलोर वगैरह के जो लोग हैं उनका जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देम सेल्व्स, हर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। तो यार जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इट्स क्वाइट अ जर्नी, आई मीन बहुत ही इट्स क्वाइट अ जर्नी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और तो ठीक है, मिलते हैं। आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू मोर डिटेल्स और आई जस्ट वॉन्ट टू आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग दिस वीडियो। एंड जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलके बनाऊंगा और इसमें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे। तो जो भी आपके कमेंट्स वगैरह है वो लिख देना ताकि जो अगली वीडियो में है वो उन सब टॉपिक को मैं कवर कर सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं।